बड़े बुजुर्गों के बताए स्वास्थ्य संबंधित काम की बातें महिलाएं समय निकाल कर जरूर सुने। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। नंबर एक, यदि आपके बदन में या टांगों में दर्द रहता है तो हल्के गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, इससे दर्द में आराम मिलता है। नंबर दो, अगर अचानक से पेट में दर्द होने लगे तो एक गिलास गुनगुने पानी में थोड़ा सा काला नमक मिलाकर पी लें, तुरंत आराम मिल जाता है। नंबर तीन, सुबह का नाश्ता ना करने वालों का दिमाग क्षतिग्रस्त हो जाता है, ऐसा लगातार करने से दिमाग की कार्यक्षमता घट जाती है, इसलिए सुबह का नाश्ता ज़रूर करें। नंबर चार, जो औरतें रात को एक गिलास पानी में दो चम्मच मेथी दाना भिगोकर सुबह खाली पेट इसके पानी का सेवन करती हैं तो ये उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नंबर पाँच, केले के छिलकों को चेहरे पर रगड़ने से स्किन ग्लो करती है और आंखों के नीचे की सूजन कम होती है। नंबर छः, चीनी शहद और नारियल का तेल मिलाकर रात के समय होठों पर लगाने से होठ गुलाबी होने लगते हैं। नंबर सात, यदि आपके दांतों पर पीलापन है तो इसके लिए आम के पत्तों को दांतों से चबाकर फिर दांतों पर मलने से दांतों का पीलापन खत्म हो जाता है। नंबर आठ, गर्भावस्था में कीवी फल खाना बहुत फायदेमंद होता है, इसमें फॉलेट पर्याप्त मात्रा में होता है जो बच्चों के दिमाग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। नंबर नौ, रोजाना सुबह खाली पेट 3 से 4 काजू खाकर ऊपर से शहद चाटने से याददाश्त बढ़ती है और दिमाग की कमजोरी दूर होती है। नंबर 10, पत्ता गोभी में दूध के बराबर कैल्शियम होता है जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, इस कारण जिन लोगों को दूध पीना पसंद नहीं है ये उनके लिए अच्छा विकल्प है। नंबर 11, दूध में चीनी मिलाकर चेहरे पर मसाज करने से चेहरे पर चमक आती है, रंग साफ होता है, ये एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है। नंबर 12, एक चम्मच दही में चुटकी भर कॉफ़ी मिलाकर चेहरे पर मसाज करने से भी चेहरे का रंग साफ होता है। नंबर 13, खांसी से छुटकारा पाने के लिए पुदीने की चाय में नमक डालकर पिए, इससे पुरानी से पुरानी खांसी में आराम मिलता है। नंबर 14, गोलगप्पे खाने में जितने स्वादिष्ट लगते हैं फायदे भी उतने ही हैं, इसके सेवन से ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है, गैस की समस्या से छुटकारा मिलता है और मुंह में छाले की समस्या में भी आराम मिलता है। नंबर 15, गर्भावस्था में सेब खाने से बच्चों का अस्थमा की बीमारी से बचाया जा सकता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नंबर 16, रिसर्च में पाया गया है कि तेज बुखार होने पर हींग का सेवन करने से बहुत ही जल्द आराम मिलता है। नंबर 17, रोजाना दोपहर और रात के खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाने से पाचन क्रिया बेहतर रहती है और गैस की समस्या भी नहीं होती। नंबर 18, पनीर खाने से हमारी याददाश्त तेज होती है, पनीर में पाए जाने वाला विटामिन बी मेमोरी को बढ़ाता है। नंबर 19, सौंफ और मिश्री खाने से आपका वजन कम होता है, साथ ही ये दिल की बीमारी से भी हमें बचाता है। नंबर 20, सुबह उठकर मुंह में पानी भरकर आंखों पर पानी के छींटे करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। नंबर 21, अगर आप अपना वजन तेजी से कम करना चाहते हो तो सुबह नाश्ते में मूंग की दाल का चिल्ला खाना शुरू करें, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जो वजन घटाने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। नंबर 22, रुककर बोलने वाले या हकलाने वाले व्यक्ति को जीभ के नीचे तेज पत्ता रखकर चूसना चाहिए, इससे हकलाना और तुतलाना दूर होता है। नंबर 23, अगर आपके घर में चूहे हैं और आप उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन्हें भगाना चाहते हैं, तो इसके लिए इनके आने वाले रास्ते पर काली मिर्च का पाउडर डाल दें, रिजल्ट देखकर आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। नंबर 24, 2 चम्मच पुदीने के रस में थोड़ा सा नींबू का रस और 1 चुटकी काला नमक मिलाकर 1 हफ्ते तक सेवन करने से लीवर पूरी तरह साफ हो जाता है। नंबर 25, कोई भी मीठी डिश बनाते समय उसमें 1 चुटकी नमक डाल देने से स्वाद उभर कर आता है। नंबर 26, दाल रोटी खाने से इंसान बहुत कम बीमार होता है। नंबर 27, चने की दाल के पानी से मुंह धोने से चेहरे का रंग साफ होता है। नंबर 28,
बाईं तरफ करवट लेकर सोने की आदत डालने से दिल की बीमारी नहीं होती। नंबर 29, बैठकर झाड़ू पोछा करने से पाचन क्रिया मजबूत रहती है और वजन कम करने में भी मदद मिलती है। नंबर 30, दूध में सौंफ डालकर पीने से कमर दर्द में आराम मिलता है। नंबर 31, अगर आपको शुगर की बीमारी है तो सुबह खाली पेट करेले का जूस पिएं। नंबर 32, रोज़ाना शाम को किशमिश के सेवन से शरीर को ताकत मिलती है। नंबर 33, रात की बची हुई रोटी में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। बासी रोटी को सुबह दूध के साथ खाने से अपच, गैस, एसिडिटी और पेट दर्द की समस्या में आराम मिलता है। नंबर 34, खाना खाने के बाद शरीर में खून का बहाव कम होता है जिसकी वजह से नींद आने लगती है। नंबर 35, सुबह देर से उठने वाले इंसान के दिमाग की नसें कमज़ोर होती हैं और शरीर भी आलस में रहता है। नंबर 36, अगर अचानक से ही आपको ठंड लगने का एहसास होने लगा है तो आप हल्का गुनगुना पानी पी लें, इससे बहुत आराम मिलता है। नंबर 37, ज़्यादा चाय पीने की आदत हड्डियों को कमज़ोर बना देती हैं, चाय का सेवन कम से कम करें, इसकी जगह पर आप ग्रीन टी पी सकते हैं। नंबर 38, अगर खांसी ज़्यादा हो रही हो तो मीठी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे गला बैठ जाता है और बोलने में भी दिक्कत होने लगती है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य प्रक्रिया के लिए है, किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर ये नियम अपनाएं। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।